शहबाज शरीफ ने मजार इकबाल पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन और शफाफ एहतसाबी अमल का निजाम खत्म होना है। देखना होगा हमने करप्शन रोकने के लिए अब तक क्या इकदाम किए हैं। इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो तसाहुल, वो एक कल्चर बन गया करप्शन का, और एक शफाफ एहतसाबी अमल जो है वो दफन हो चुका है। एहतसाब का अमल जो है वो खत्म हो चुका है इस मुल्क के अंदर। ये सबसे बड़ी वजह है कि जिसने मेरिट को प्रमोट नहीं किया और जिसने नेपोटिज्म को प्रमोट किया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि इस मुल्क में अरबों खरबों रुपए की लूटमार की गई। सबको पता है ये लूटमार किसने कहा। अल्लामा इकबाल की शायरी और अफकार आज भी रहनुमाई करते हैं। हमने अल्लामा इकबाल की सोचो फिक्र पर कितना अमल किया, आज भी इस पर सवालिया निशान है। इकबाल के अफकार के बावजूद हम आज भी पस्ती का शिकार हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आला ने मजार इकबाल पर हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर कई वुज़रा और लीगी रहनुमा भी शहबाज शरीफ के साथ मौजूद थे।